जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल टॉक में। अगर आप भी चाहते हो आपका जीवन भी हो खुशहाल, तो सच्ची आत्मा से हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। धनतेरस के दिन भूल कर भी ना खरीदें ये 10 चीजें, नहीं तो घर में आएगी दरिद्रता। धनतेरस का त्योहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रहा है। हर साल धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी 10 चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। पंच दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो आइए उन चीजों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। 1. धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। 2. काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। 3. कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। 4. लोहा न खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। 5. कार न खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। 6. तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। 7. खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है, इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। 9. चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती है, ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। 10. प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है। धनतेरस पर नमक खरीदना ना भूलें। करें नमक के ये 6 उपाय, दूर होगी दरिद्रता, चमकेगी किस्मत। धनतेरस 10 नवंबर को है। धनतेरस को त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, धनिया, झाड़ू आदि खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दिन नमक भी अवश्य खरीदना चाहिए? जानें क्यों खरीदना चाहिए धनतेरस पर नमक। मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। जब वे प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा कलश भी मौजूद था। इसी कारण धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, जो बेहद शुभ भी माना जाता है। धनतेरस के दिन से ही रोशनी के त्योहार दीपावली की भी शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, कई तरह के शुभ धातुओं जैसे पीतल, तांबा आदि के बर्तन, धनिया, झाड़ू, गोमती चक्र आदि खरीदना तो शुभ माना ही गया है, लेकिन इस दिन नमक भी अवश्य खरीदना चाहिए।
आइए जानते हैं क्यों खरीदना चाहिए, धनतेरस पर नमक और इससे क्या क्या उपाय किए जाते हैं। धनतेरस पर नमक खरीदने का महत्व। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग अध्यक्ष डॉ मृत्युंजय तिवारी के अनुसार धनतेरस के दिन नमक खरीद कर घर लाने से धन लाभ होता है। घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप धनतेरस के लिए शॉपिंग करने वाले हैं तो एक पैकेट नमक का भी अवश्य खरीदें। इस नमक को ही भोजन में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मान्यता है कि यदि दीपावली के दिन घर में नमक वाले पानी से पूरे घर में पोछा लगाया जाए तो दुख, गरीबी, दरिद्रता, नकारात्मकता दूर होती है। धनतेरस पर नमक से करें ये उपाय। धनतेरस के शुभ अवसर पर आप नमक का नया पैकेट खरीदें और उसका ही इस्तेमाल करें। इससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धन में इजाफा होता है। इस दिन घर के उत्तर और पूर्व दिशा में कोने में एक शीशे की कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर रख देने से दरिद्रता दूर होती है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस दिन पूरे घर में नमक वाले पानी से पोछा भी लगाने की मान्यता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई अनबन चल रही है, किसी प्रकार का तनाव है, तो रात में अपने कमरे में किसी कोने में थोड़ा सा सेंधा या सफेद नमक रख दें। इससे सारे लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे और आपके बीच आपसी प्यार और स्नेह बढ़ेगा। धनतेरस के दिन आप घर के छोटे बच्चे को नमक वाले पानी से स्नान कराएं। इससे आपका बच्चा और घर किसी की बुरी नजर से बचा रहेगा। बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी। यदि आपका बिजनेस फल फूल नहीं रहा है, लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो नमक को अपने हाथों में लें और उसे अपने सिर पर कम से कम 3 बार घुमाकर अपने शॉप के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से व्यापार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। इस धनतेरस घर के लिए खरीदें इन शुभ धातुओं के बर्तन। घर आएगी सुख समृद्धि और बरकत। हर साल की तरह इस साल भी धनतेरस की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बर्तन खरीदना ना भूलें। मान्यता है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर पीतल, चांदी, तांबा आदि के बर्तन खरीदने से घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। पूरे भारत और खास तौर पर हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दिवाली हर साल पूरे देश में धूमधाम से पूरे 5 दिनों तक मनाई जाती है। दिवाली की शुरुआत धनत्रयोदशी यानी धनतेरस से होती है। धनतेरस को बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के साथ साथ घर के लिए कुछ जरूरी और शुभ सामानों की खरीदारी की जाती है। धनतेरस पर अधिकतर लोग झाड़ू, सोना और चांदी और खास तौर पर बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस पर की गई खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है और उसमें खरीदे हुए बर्तनों को पूजा में रखकर पूजा संपन्न मानी जाती है। धनतेरस के मौके पर खास तरह के बर्तन खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। ये कुछ ऐसे बर्तन हैं जो साल भर काम आ सकते हैं। जानें धनतेरस पर आप किन बर्तनों की खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का महत्व। धनतेरस के दिन कई तरह के धातु के बर्तनों को खरीदने का काफी अधिक महत्व है। आप भी यदि धनतेरस पर बर्तन खरीदना चाह रहे हैं तो सोना चांदी खरीदने के अलावा पीतल, तांबे, स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर इन धातुओं के बर्तन खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो भी खरीदारी इस दिन की जाती है उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, चांदी के सिक्के भी घर ला सकते हैं। इससे घर में बरकत आती है। लक्ष्मी जी की कृपा घर पर सदा बनी रहती है। चांदी के बर्तन। धनतेरस पर चांदी के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप चांदी के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो चांदी की पूजा की थाली, छोटे गिलास सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। चांदी का सिक्का भी लोग धनतेरस, दिवाली पूजा के लिए खरीदते हैं। चांदी के गिलास, पूजा की थाली को आप अपनी एंटीक क्रॉकरी में शामिल कर सकते हैं। तांबे के बर्तन। धनतेरस पर तांबे के बर्तनों की पूजा की जाती है। इस दिन तांबे के बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। आजकल सेहतमंद रहने के लिए ज्यादातर लोग तांबे के बर्तनों और खासकर तांबे की बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप तांबे का बर्तन खरीदने वाले हैं तो तांबे की बोतल सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है।
इसका इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हैं। पीतल के बर्तन। आपने अधिकतर ढाबों और अच्छे रेस्टोरेंट्स में पीतल के गिलास जरूर देखे होंगे। पीतल को सेहत के लिए काफी अच्छा और पूजा के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप इस धनतेरस घर में मेहमानों को लस्सी या स्पेशल फ्रूट ड्रिंक सर्व करने के लिए पीतल के गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बर्तनों का इस्तेमाल घर को सजाने के लिए भी लोग करते हैं। स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल सेहत को मद्देनजर रखते हुए स्टील के बर्तनों को काफी स्टाइलिश तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, इसलिए आप इस त्योहार पर घर के पुराने डिनर सेट को नए स्टील डिनर सेट से रिप्लेस कर सकते हैं। धनतेरस के दिन कर दी ये गलती तो साल भर तक झेलना पड़ सकता है धन का अभाव। धनतेरस के दिन कुछ काम करने की मनाही है। अगर आप इस दिन ये काम करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और इसके कारण आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। साल भर भुगतना पड़ सकता है इस गलती का खामियाजा। पंडित राम नरेश अग्निहोत्री के अनुसार धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक का समय लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष माना जाता है। धन को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए और न ही पैसा उधार लेना चाहिए। उधार देने का अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं और उधार लेने का अर्थ है कि आप कर्ज ले रहे हैं। विशेष रूप से धनतेरस, जो कि समृद्धि का त्योहार है, उस दिन खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए और कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने वाले माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। इस एक गलती के कारण पूरे साल आपको धन का अभाव झेलना पड़ सकता है। इन गलतियों से भी बचें। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू घर के दरिद्र को हटाती है। इस दिन झाड़ू पर पैर न रखें, मांस मीट शराब आदि का सेवन न करें। इसे अशुभ माना जाता है, इनसे घर में बरकत नहीं आती। इसके अलावा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, घर का माहौल खुशहाल रखना चाहिए। धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की खरीद करते हैं। अगर आप भी बर्तन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कांच के बर्तन या डिनर सेट बिल्कुल न खरीदें। कांच का संबंध राहु से माना गया है। इस शुभ दिन पर राहु से जुड़ी चीजों को घर नहीं लाना चाहिए, इससे घर में तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं, खर्चे बढ़ते हैं और दरिद्रता आती है। कैंची, चाकू, सुई या किसी भी तरह की नुकीली चीजों को धनतेरस के दिन घर में खरीदकर नहीं लाना चाहिए। ये चीजें क्लेश की वजह बन सकती हैं। जहां अशांति रहती है वहां कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। चीनी मिट्टी के शोपीस, बर्तन आदि को भी धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं होता है। इन चीजों में स्थायित्व नहीं होता। ये चीजें कभी भी टूट फूट सकती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती। धनतेरस के दिन इन्हें कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। लोहे का संबंध शनि से माना गया है। धनतेरस के दिन लोहे से जुड़ी कोई भी चीज खरीदने से बचना चाहिए, इससे आपके घर में आर्थिक हानि हो सकती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम से जुड़ी चीजों को भी खरीदने से बचना चाहिए। एल्यूमिनियम का संबंध भी राहु से माना गया है।